हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू गैरफ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट होम साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2012 का। तो इसमें हम लोग ये जो क्वेश्चन पेपर है ये यूजीसी नेट जेआरएफ का है, होम साइंस का। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस के जो भी क्लासेस हैं, चैनल पे जितनी भी क्लासेस हैं उनका सबका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये फेसबुक पेज है, आपको यहाँ पे भी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और चैनल पे जितनी भी क्लासेस हैं यूट्यूब चैनल पे, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप सारी क्लासेस फ्री में देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ब्लांचिंग फूड? फूड को ब्लांच करने का प्राइमरी रीजन क्या है? ऑप्शंस क्या हैं? क्लीन द फूड, प्रिवेंट पेस्ट इन्फेस्टेशन, इनएक्टिवेट एंजाइम्स इन फूड, या प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम ड्राइंग। तो बात अगर हम करें ब्लांचिंग की, तो ब्लांचिंग का जो मेन या प्राइमरी रीजन है वो है इनएक्टिवेट एंजाइम्स इन द फूड। ब्लांचिंग होता क्या है, जो भी हमारा फूड है उसको हम गर्म पानी में डालते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद तुरंत फूड यहाँ से निकाल के हम दोबारा उसको ठंडे पानी में डालते हैं। तो इसमें जो भी एंजाइम्स फूड के ऊपर जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ब्लांचिंग जो है ये एक प्रिजर्वेशन मेथड है। हम बोल सकते हैं कि अगर फ्रूट को या जो भी हमारा फूड है उसे कुछ टाइम तक के लिए उसको प्रिजर्व करके रखना है, तो उसके लिए ब्लांचिंग एक मेथड है जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आरडीए फॉर इंडियन वुमेन आर बेस्ड ऑन रेफरेंस वुमेन हु हैज। अगर हम बात करें आरडीए की, वो भी रेफरेंस वुमेन के अकॉर्डिंग, जो हमारा नया आरडीए आया था उसमें जो रेफरेंस वुमेन की डेफिनेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है कि जो रेफरेंस वुमेन है उनका वेट और हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको वेट और हाइट पता चल रहा है, तो जो रेफरेंस वुमेन की जो न्यू डेफिनेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस वुमेन की जो एज है वो क्या होनी चाहिए। एज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कमेंट करके कि जो रेफरेंस वुमेन की जो डेफिनेशन आई है उसमें वुमेन की एज जो है कितनी होनी चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे रेफरेंस वुमेन का हाइट और वेट कितना होना चाहिए, तो वेट जो है वो 55 kg और हाइट 1.61 meter होनी चाहिए। तो ये बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो जो भी इंडियन रेफरेंस वुमेन हैं उनका बॉडी वेट 55 kg और हाइट जो है 1.61 meter होनी चाहिए, और एज कितनी होनी चाहिए रेफरेंस वुमेन का जो डेफिनेशन है उसमें एज कितना दिया हुआ है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अप्रोच? इनमें से कौन सा मैनेजमेंट अप्रोच नहीं है? तो ऑप्शन क्या है, क्लासिक मैनेजमेंट या क्लासिक अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ह्यूमन रिलेशनशिप, या डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा मैनेजमेंट अप्रोच नहीं है, तो जो डबल एंट्री सिस्टम है ये मैनेजमेंट अप्रोच नहीं है। ये जब भी हमारा कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो हम क्रेडिट एंड डेबिट का जो पूरा रिकॉर्ड करते हैं, तो ये एक रिकॉर्ड सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल है, डबल मीन्स टू, जहाँ पे आपके क्रेडिट्स और डेबिट्स दोनों की एंट्री एक साथ होती है उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल में क्या होता है, या फिर क्रेडिट की एंट्री होगी या डेबिट की एंट्री होगी, और जहां पे डबल दिया है आपको तो डबल में आपके क्रेडिट और डेबिट दोनों की एंट्री होती है। तो ये हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है ये एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। बाकी जो क्लासिक है, सिस्टम अप्रोच है, ह्यूमन रिलेशन है, ये हमारा मैनेजमेंट अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द बॉबिन इन द सीविंग मशीन? जो हमारी सिलाई मशीन होती है, सीविंग मशीन है, उसमें बॉबिन को एक जगह पे होल्ड करके कौन रखता है? तो ऑप्शंस क्या है, फीड डॉग, प्रेशर फुट, ऑसिलेटिंग हुक, या थ्रेड टेकअप लीवर। तो अगर हम बात करें सीविंग मशीन में जो बॉबिन को होल्ड करके रखता है वो होता है ऑसिलेटिंग हुक। एक ऐसे हुक टाइप में होता है जो बॉबिन को होल्ड करके रखता है। और अगर हम बात करें फीड डॉग, तो ये एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है
जो क्लॉथ को आगे या फॉरवर्ड आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। प्रेशर फुट क्या होता है, एक लीवर जैसा होता है जो फीट डॉग के पास में लगा होता है, जो कपड़े को एक जगह पे प्रेशर देके रखता है कि कपड़ा जो है इधर उधर ना जाए। थ्रेड टेकअप लीवर, ये लीवर होता है जो थ्रेड को उलझने से बचाता है और थ्रेड को एक सीधे डायरेक्शन में आने में हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें बॉबिन की, तो सिविंग मशीन में बॉबिन को ऑसिलेटिंग हुक होता है जो एक जगह पे होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट कसूती एम्ब्रॉयडरी। इनमें से कौन सा एम्ब्रॉयडरी है जो कसूती एम्ब्रॉयडरी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऑप्शंस क्या है, मेंथी, आरी, गवंती या मुरगई। तो जो कसूती की अगर हम बात करें, तो आरी जो एम्ब्रॉयडरी है ये कसूती को रिप्रेजेंट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर इज बाय। जो हमारा इलेक्ट्रिक वाटर हीटर होता है, उससे जो पानी गर्म होता है, तो उसमें कौन से प्रिंसिपल यूज होता है। तो वो होता है इंडक्शन थ्रू, जो हमारा वाटर हीटर है ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, सोशियोमेट्री इज अ टूल टू मेजर चाइल्ड्स। जो सोशियोमेट्री है ये एक टूल है जो चाइल्ड को क्या मेजर करने में हेल्प करता है। देखिए, सोशियो मीन्स हमारा सोसाइटी, मेट्री मतलब एक मीटर, सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप को मेजर करने वाला एक मीटर जिसको हम बोलते हैं सोशियोमेट्री। तो ऑप्शंस क्या है, इंटेलिजेंस लेवल, बिहेवियर प्रॉब्लम, रिलेशनशिप विद पेयर या रिलेशनशिप विद पेरेंट। तो इंटेलिजेंस लेवल ये चाइल्ड का अपना पर्सनल है, बिहेवियर प्रॉब्लम ये पर्सनल है, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स ये फैमिली है, और यहाँ पे हमने बात किसकी की है, सोशियोमेट्री मतलब सोसाइटी की। तो जो पीयर्स क्या होते हैं, जो भी चाइल्ड है, चाइल्ड की एज के सेम, चाइल्ड की एज के जो फ्रेंड होते हैं, जैसे आपका जो भी चाइल्ड है वो 3 to 4 ईयर है, तो उसके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी 3, 4, 5 ईयर्स के होंगे। तो सेम एज ग्रुप के फ्रेंड्स, उनके साथ जो बच्चों का रिलेशन है वो कैसा है, उसको मेजर करने में जो हेल्प करता है वो होता है सोशियोमेट्री टूल। तो जब आप ऑप्शन जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डी आर डी ए इज फंक्शनिंग एट। डी आर डी ए का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि आया था 1 अप्रैल 1999 में। ठीक है, ये जो DRDA है जो कि 1999 में आया था, और ये वर्क करता है, इसमें पूछा गया ना फंक्शनिंग, ये वर्क करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करता है, और इसका काम क्या था, रूरल डेवलपमेंट मीन्स जो भी रूरल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करना, और साथ ही उनको कुछ वर्क प्रोवाइड करना, जो भी वहां की जो वहां के जो भी हमारा रूरल है, रूरल एरिया है, उसको डेवलप करना, और डेवलप करने के साथ साथ वहां पे जो भी पीपल हैं उनको वर्क प्रोवाइड करना या उनको कुछ काम देना, जिससे क्या होगा, अब वो काम करेंगे तो उससे उनको उसका पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो क्या होगा, वहां का पॉवर्टी, जो पॉवर्टी एलिवेशन होगा। तो DRDA का काम क्या था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रूरल रूरल एरियाज हैं वो रूरल एरिया के डेवलपमेंट में हेल्प करना, और वहां के लोगों को काम देना जिससे वहां का जो पावर्टी जो है वो एलिवेट हो पाए, या पावर्टी को कम करने में मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, ABC ऑफ पोस्टर। तो यहाँ पे ए बी और सी का मतलब क्या, अगर कोई हम पोस्टर बना रहे हैं तो पोस्टर पहले क्या है, हमारा विजुअल एड है। ठीक है, तो जब भी कोई पोस्टर बना रहे हैं तो वो क्या कैसा होना चाहिए, तो क्या ए फॉर अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, जो भी आप पोस्टर बना रहे हैं। ठीक है, पोस्टर कैसा अट्रैक्टिव होगा तभी तो लोग उस पर देखेंगे। अगर आपने कोई पोस्टर में कोई अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में दिया है या कुछ नया इन्फॉर्मेशन दिया है, और जब पोस्टर अट्रैक्टिव होगा तभी लोग उसको देखेंगे। अट्रैक्टिव होने के साथ साथ आपने जो भी उस पर इंफॉर्मेशन दी है वो ब्रीफ में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वहां पे बिल्कुल लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं देना है।
जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स देने हैं, और पॉइंट्स इस तरीके से देने हैं कि उनका मीनिंग जो है वो क्लियर हो। तो एबीसी ऑफ पोस्टर मीन्स अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। टाइप वन एरर इज मेड व्हेन। टाइप वन एरर कब होती है? व्हेन ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, तब जो हमारी एरर होती है उसको हम बोलते हैं टाइप वन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आर रिच इन ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स। कौन से फूड हैं जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड में रिच होते हैं? तो जो ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड हैं, ये पॉली अनसेचुरेटेड फैट होते हैं, जो हमारे बॉडी में जो बैड, हम बोल सकते हैं कि बैड फैट है, या जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको लोअर करने में या कम करने में हेल्प करते हैं। और ओमेगा थ्री फैटी एसिड में क्या, डीएचए और ईपीए, ये हमारे ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हैं। तो क्वेश्चन आपके पास दो हो गए। एक तो जो हमारी रेफरेंस वुमेन है उनकी एज क्या है ये आपको देना है, उसके बाद डीएचए और ईपीए का फुल फॉर्म क्या है। तो ये दो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, डीएचए और ईपीए का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद जो हमारी रेफरेंस वुमेन की जो डेफिनेशन है उसमें वुमेन्स की एज क्या दी गई है, तो ये एज आपको बताना है। तो टू क्वेश्चन है आपके पास, डीएचए और ईपीए का फुल फॉर्म, रेफरेंस वुमेन की जो एज है वो क्या है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कौन सा फूड जो है वो ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स में रिच है। तो क्या हो जाएगा, फैटी फिश, मस्टर्ड सीड और वॉलनट, 3, 5, 6 किसमें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन कॉज करते हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं, स्टेफलोकोकस यूरस, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलनम, लिस्ट्रीडिया मोनोसाइटोजेंस या सेलमोनेला। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्टेफलोकोकस यूरस और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलनम, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन कॉज करते हैं, वो है स्टेफलोकोकस यूरस और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलनम। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर नॉट यूज्ड इन किचन। इनमें से कौन से इक्विपमेंट हैं जो किचन में यूज नहीं किए जाते हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन देखो, अवन, कुकिंग रेंज, टैली मशीन, ब्रेन मारी या ब्लेंडर। तो अगर हम बात करें तो देखो, जो टैली मशीन है और ब्रेन मारी जो है ये किचन में यूज नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। टैली मशीन और बैन मारी जो ये हैं, ये दोनों इक्विपमेंट किचन में यूज नहीं किए जाते हैं। बाकी अवन है, कुकिंग रेंज है, ब्लेंडर है, ये सब किचन में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। करेक्ट लेआउट ऑफ यूनिडायरेक्शनल फैब्रिक फॉर गारमेंट कटिंग आर। अगर कोई कपड़ा है यूनिडायरेक्शनल फैब्रिक को कट करना है, जैसे कोई फैब्रिक है, जैसे ये फैब्रिक है, इस पे एक कुछ प्रिंट्स बने हुए हैं, और प्रिंट्स बने हुए हैं तो कपड़ा हमको एक जैसा कट करना पड़ेगा कि उससे जो भी गारमेंट बने उसमें जो भी प्रिंट्स हैं वो एक डायरेक्शन में हो। अब कपड़े में प्रिंट्स, कपड़े को ऐसे कट करना है कि जो गारमेंट बनने पे उसमें जो भी प्रिंट्स हैं वो एक डायरेक्शन में रहे, तो उसको कैसे कट करेंगे? या फिर हम ऐसे, टोटल हमारा ये कपड़े का लेंथ है, हम टोटल लेंथ में अलग अलग अपना कपड़ा जो है वो कट कर लें, तो लेंथ वाइज में कट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको, या फिर इसको कपड़े को, हमने ये कपड़ा था इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, डबल डबल फोल्ड करके कट कर सकते हैं, या पूरा ओपन ओपन कट कर सकते हैं। हम क्रॉस वाइज फोल्ड में इसको कट नहीं कर सकते। जब हम क्रॉस वाइज फोल्ड में कट करेंगे तो उसको जो हमारा जो ये पैटर्न है या जो भी हमारा पैटर्न का डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में नहीं बचेगा। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि गारमेंट को कट करने के लिए
और उसका जो फैब्रिक है ये यूनी डायरेक्शन में रहे, तो लेंथ वाइज फोल्ड, डबल फोल्ड या ओपन करके हम इसको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉवेल्टी यार्न। इनमें से कौन सा यार्न जो है वो नॉवेल्टी यार्न नहीं है? तो ऑप्शंस क्या हैं? क्रीप यार्न, बक्कल यार्न, स्लब यार्न और फ्लॉक यार्न। तो बक्कल यार्न, स्लब यार्न और फ्लॉक यार्न ये सारे नॉवेल्टी यार्न हैं। बचा कौन सा? क्रीप। तो जो क्रीप है ये हमारा सिंपल यार्न है, सिंपल यार्न है और इसमें हाई ट्विस्ट होता है। इसको हम कहते हैं क्रीप यार्न, जो कि सिंपल यार्न होता है बट इसमें जो ट्विस्ट है ये हाई ट्विस्ट होते हैं। हमने ट्विस्ट कितने, तीन ट्विस्ट पढ़े हैं, लो, मीडियम और हाई ट्विस्ट। तो जो हमारा क्रीप यार्न है इसमें जो है ट्विस्ट हाई ट्विस्ट होते हैं, और जो क्रीप यार्न है ये नॉवेल्टी यार्न नहीं है, ये सिंपल यार्न है। तो जो क्वेश्चन आपके पास थे दो, एक तो रेफरेंस वुमेन की जो डेफिनेशन है उसमें उनकी रेफरेंस वुमेन की एज क्या दी गई है, और जो हमारा ओमेगा फैटी एसिड है DHA और EPA इनके फुल फॉर्म आपको देने हैं। तो आज वाले को आज जो सीरीज है इसमें हम 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ऐसे हम लोग जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 2012 से लेके, वो मैं सारे डिस्कस करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।